जय जोहर संगवारी हो। आज हमन बना दन कुंदरू आलू की सब्जी। तो हम एक पाव कुंदरू ले हन, चार छोटे साइज के आलू ले हन, मतलब मीडियम साइज के आलू है, और ये चना भी गायन हम एक कटोरी चना भी गायन भीग के इतकन हो है हा। चना अच्छा से भीग चुके है, तो हमार कड़ाही तेल डाल देते हन। एक चम्मच हमें मैं तेल डाली हवन, तो यहाँ हम सरसों डाल देते, प्याज डाल देबो, एक बड़े साइज प्याज ले हने मां, तीन बड़े हरे मिर्च दो टुकड़े करके डाले हने लगे। अब इला हम थोड़की भून ले दो। प्याज है नरम हो गए है, अब एमा हम सबले पहली चना ला डाल देते हैं, आलू ला भी डाल देबो हम, ये हमारे कुंदरू ला हलो हम डाल देते हैं। बढ़िया से ढक ढक के हम धीमी आंच में ला पकाबो, यानी भुनाई करबो एकर। तो आप मन देख सकत था बढ़िया ले हमारी सब्जी है एकदम भुना गए पक गए है। अब एमा हम लहसुन डाल देबो, ते लहसुन ला डाल देते हैं हम। तो आप देख सकत था एक चम्मच, यानी स्वाद अनुसार हम एमा नमक डाले हवन, एक चम्मच एमा हल्दी डाला थे हम, आधा चम्मच मिर्ची डाला थे काबर की हरा मिर्ची हम पहले से डाले हवन, एक चम्मच गरम मसाला मिक्स कर लेबो हम। तो आप मन ऐसने भी रख सका था, आज सूखी सब्जी अगर बनाना चाहता था, काबर की ये बिल्कुल पक चुके हैं, आप देख सका था वह बिल्कुल अच्छा से पक गए हैं। ये सूखे भी बहुत अच्छा लगते, लेकिन मैं थोड़ा एमा ग्रेवी बना है तो एमा पानी डाल लेता, एक गिलास मैं पानी डाल दू हूँ, एमा ज्यादा पानी नहीं डाला हूँ, डाल ले वो उबाल के आत ले पकन दे वो ढक के ला हम। तो देखा हमारे सब्जी हाँ पक चुके है, बिल्कुल उतारे के लायक हो गए है, तब हम उतार लेथन। तो आप मन देख सका था हमारे बढ़िया से कुंदरू आलू और चना के सब्जी तैयार है। हम इला बिना टमाटर के बनाए हवन, लेकिन खाए में बिल्कुल स्वादिष्ट हवा, आप मतलब बिल्कुल ही नहीं लगे कि हम टमाटर नहीं डाले है, ये बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बने है। सुगर हमार सब्जी बन के तैयार हो गई, तो हमारे वीडियो ला देख के आप मन भी ये सब्जी ला बनाहा, और वीडियो कैसा लगी चला कमेंट के जरिए हमला जरूर बताहा। अगले वीडियो में फिर मिलबो आप मन से, धन्यवाद।